पिछले कुछ समय से ही किसान छत्तीसगढ़ में मछली पालन कर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। यहाँ मछली के थोक और फुटकर व्यापार को अगर मिला दिया जाए तो सिर्फ एक दिन में राजधानी रायपुर में ही 10 लाख से ज्यादा का व्यापार किया जाता है। TCP24 की टीम जब इसको बारीकी से जानने के लिए लोधीपारा की थोक मार्केट पहुंची तो वहां व्यापारियों ने एक अनुमान बताया, जिसमें अकेले रायपुर में ही 4 से 5 जगहों पर मछली का थोक व्यापार, जिसके बाद फुटकर व्यापारी 100 से ज्यादा, कुल मिलाकर एक दिन में 30 लाख से ज्यादा की मछली थोक में बिकती है। गांव से आती है भैया मछली, लोकल आसपास से तालाबों की मछलियाँ होती है वो आती है, बिकती है। यहाँ से 60-70-80 कोचिया लोग ले जाते हैं। अब एक एक दुकानदार 25-30 हज़ार रुपए कम का माल तो बेचता नहीं भैया। वहीं फुटकर व्यापारियों की बात करें तो राजधानी रायपुर से 100 से ज्यादा व्यापारी मुनाफे के साथ रोजाना 40 लाख से ज्यादा का व्यापार करते हैं, जिसमें वो रोहू मछली 110 से 130 रुपए तक खरीदते हैं, जिसे फुटकर में 160 से 170 रुपए तक बेचा जाता है। पंकज मछली 90 से 110 रुपए तक खरीदी और 150 से 170 रुपए तक बेचते हैं। मोंगरी मछली 100 से 110 रुपए के बीच खरीदकर मुनाफे के साथ 140 से 160 रुपए तक बेचते हैं। अगर मछली व्यापार का सालाना का हिसाब करें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही लगभग 40 करोड़ का व्यापार होता है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना काल के कारण इसमें काफ़ी फर्क भी दिखाई दिया है। वहीं देखा जाए तो दूसरी ओर लोगों में मछली पालन से लेकर बेचने की में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 सालों में मछली पालन नया रोजगार भी बनकर उभरा है। TCP24 के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट। TCP24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।